सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। संस्कृत शिक्षा भाग तीन उत्तर पत्रिका की सीरीज में आज हम इसके 22वें अभ्यास के गृह कार्य का मिलान कराएंगे। आपने जो लिखा है उसको खोल लीजिएगा और मिलान कीजिएगा। ये 22वां अभ्यास है। 21 अभ्यास हमने कर लिए हैं अभी तक। इसके अंदर हमने शब्दकोश पढ़ा था, ठीक है, और ये दो नियम थे इसके अंदर, षष्ठी और गुण संधि के, और ये वाक्य थे, ये मैंने आपको पढ़ के सभी बता दिए हैं पढ़ाने वाली कक्षा में। और आगे इसमें गृहकार दिया है, इसको देखते हैं। सर्व शब्द पुल्लिंग के इन विभक्तियों के रूप लिखना है, सर्व शब्द के, ठीक है। ये प्रथमा विभक्ति है, ये द्वितीय विभक्ति है, ये चतुर्थी, ये पंचमी और ये षष्ठी और ये सप्तमी में पुल्लिंग का लिखना है। चलिएगा मिलान कीजिएगा। प्रथमा सर्वाः सर्वौ सर्वे, द्वितीय सर्वम सर्वौ सर्वान, तृतीय चतुर्थी सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, पंचमी सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, षष्ठी सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषाम, सप्तमी सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। ठीक है, चलिएगा। अब आगे है संस्कृत बनाओ। तो ये संस्कृत बनाने के लिए कुछ वाक्य दिए थे, तो आपने जो बनाए हैं इनका मिलान कीजिएगा एक बार। आइएगा, तालाब में मछलियां घूम रही हैं, सरोवरे मत्स्याः विचरन्ति, तालाब में कमल खिलते हैं, सरोवरे पद्मानि विकसन्ति, समुद्र में मगर घूमते हैं, सागरे मकराः विचरन्ति, मगर मनुष्यों को खा जाते हैं, मकराः मनुष्यान् खादन्ति, धीवर मछलियों को मारते हैं, धीवराः मत्स्यान् व्यापादयन्ति, कुएं में मधुर जल है, कूपे मधुरम जलम वर्तते, तालाब में तरंगे उठती हैं, सरोवरे तरंगाः उद्भवन्ति, घर के सामने बंदर बैठे हैं, गृहस्य पुरः वानराः तिष्ठन्ति, वृक्ष के ऊपर पक्षी हैं, वृक्षस्योपरि पक्षिणः वर्तन्ते अथवा खगाः वर्तन्ते, कोई भी एक शब्द का प्रयोग कर लीजिए। गुरु के सामने छात्र हैं, गुरोः पुराः छात्राः सन्ति, सदा सत्य ही कहो, सदा सत्यमेव कथाय, मैंने झूठ नहीं कहा था, अहम् अनृतम् न कथयम्। ये अनुवाद आपके मैंने मिलान करा दिए, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा गृह कार्य और दिया है, रिक्त स्थानों में सर्व शब्द के रूपों को भरना है। रिक्त स्थान आगे तो यहां पर है सर्वे, सर्वे भरना, जनाः सुखम इच्छन्ति, ठीक है, यहां सर्वे रखिएगा, सर्वेषां जनानां हितं भवेत्, यहां सर्वेषां आ जाएगा, ठीक है, सभी लोगों का हित होवे, सर्वाः बालिकाः पाठं पठन्ति, यहां पर सर्वा स्त्रीलिंग आ जाए, क्योंकि बालिका स्त्रीलिंग है, सर्वाः सभी बालिकाएं पाठ पढ़ती हैं, सर्वासु अवस्थासु परोपकारं कुर्यात्, तो यहाँ अवस्था का ये सर्वनाम है, स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, सप्तमी व्यक्ति है, तो यहाँ फिर भी आ जाएगा सप्तमी व्यक्ति बहुवचन का, स्त्रीलिंग का, सभी अवस्थाओं में परोपकार करना चाहिए, सर्वस्मिन् जगति ईश्वरः वर्तते, तो जगति का सर्वनाम है, तो सर्वस्मिन् तो सभी पूरे जगत, संपूर्ण जगत में ईश्वर है,
सर्वेभ्यः बालकेभ्यः फलानि यच्छ, सभी बालकों के लिए फल दो। तो इसके अनुसार इसमें विभक्ति हो गई है, सर्वेभ्य सभी बालकों को फल दो। सर्वम जगत नश्वरम अस्ति, सारा जगत नश्वर है। तो ये नपुंसक लिंग है, जगत एक वचन है, तो यहाँ पर सर्वम हो गया उसका सर्वनाम, ठीक है, क्योंकि तो विशेष्य के अनुसार ही तो सर्वनाम के लिंग वचन विभक्ति हुआ करते हैं, ये नियम पढ़ाया था। सर्वाणी पुस्तकानी अत्र आनय, तो यहाँ पुस्तकानी के कारण से सर्वाणी आ गया, बहुवचन में नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति, ठीक है, द्वितीय विभक्ति, प्रथमा ने एक कर्म है आनय, लाओ पुस्तकों, द्वितीय विभक्ति, ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके बाद में आगे गृहकार दिया था, इसमें कथ धातु परस्मैपदी के लट और लोट के रूप लिखो। पहले लट के लिखते हैं फिर लोट के हैं, मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। लट कथयति कथयतः कथयन्ति, कथयसि कथयतः कथयथ, कथयामि कथयावः कथयामः, ये लोट के। कथयतु कथयताम कथयन्तु, कथय कथयतम कथयत, कथयानि कथयाव कथयाम, ठीक है, ये हो गया। उपाध्याय जी के अक्षर हस्ताक्षर हो गए जी, ठीक है, चलिएगा मिलान करके भेज दीजिएगा हमें, चलिएगा। तो अब आगे की कक्षा में अब हम पढ़ेंगे 23वां अभ्यास पढ़ेंगे, अर्थात इसके 23वें अभ्यास के गृहपाठ का मिलान कराएंगे। चलिए आगे की कक्षा मिलते हैं, सर्वेभ्यो नमः।